अभी स्टॉप करके दे। आप लोग मेरा नंबर लिख लें जिसके पास मोबाइल है सब लोग। हाँ मैं सेव कर लिया हूँ। वो कार्ड में नंबर है आपके जो गले में लटका हुआ है ना उसमें नंबर भी लिखा हुआ है, फिर भी नंबर लिख लो। नंबर लिखो 989 989 29 9829 989 29 04 9892904726। दूसरा नंबर है 9324 पहला नंबर तो लिखना, बात नहीं पर लिखना यार नंबर तो लिखा ही था। नाम से हमारा नाम सु 9324। अरे कादर भाई आ जाओ। 9324 23 63 83 ये दो लारेब का जो आज ये देख ले पहला, नहीं तो परेशानी होगी। पासपोर्ट का पहला पेज खुला रखने का, साथ में वीज़ा कॉपी और उसके पीछे टिकट है आपकी। ये रिटर्न टिकट है आने और जाने की। जब तक आप रिटर्न बॉम्बे नहीं आते हो ये टिकट और पासपोर्ट आपको संभाल के रखना है, ठीक है। दूसरा, अब सबसे पहले जब आप गेट पे जाओगे तो गेट पे जाने के बाद में आपको ये पासपोर्ट और टिकट दिखाओगे तब अंदर छोड़ेगा। उसके बाद में आपकी फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइंस, सऊदी एयरलाइंस के काउंटर पे जाकर के आपको दिखाना है, तब आपको बोर्डिंग कार्ड निकाल के देगा। बोर्डिंग कार्ड लेकर के आपको जाना है सिक्योरिटी में, जहाँ पर आपका इमिग्रेशन होगा, आपकी फ़ोटो लेंगे। उसके बाद आपने अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद में फ़्लाइट पकड़नी है। सबका वाया फ्लाइट है रियाद से, तो आपका जो अहराम है आपने बांधना है रियाद में। वहाँ वक्त ख़राब नहीं करोगे क्योंकि एक फ़्लाइट के बाद दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है, तो फौरन जो है वजू करना, नमाज़ पढ़ना और उम्रा के लिए सीधे अहराम बांधना। एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी आदमी अपना अहराम हाथ में रखे, पार्सल बैग में न डाले, नहीं तो अहराम नहीं मिलेगा और उसको दम वाजिब हो जाएगा। दूसरा, जो हाजी जा रहा है जिसके पास पावर बैंक है मोबाइल चार्ज करने वाला, वो बैग में नहीं हाथ में रखना। हाथ में जो बैग होगी उसमें रखेंगे आप लोग। अगर पावर बैग में डालोगे तो आपकी बैग यहीं रहेगी, आपका सामान नहीं आएगा, ठीक है। लेडीज़ जो है वो खुशूसन ध्यान रखना, जो वाइट मखना आपको दिया है उसको आपको पहनना है, ताकि पहचान हम आराम से कर सके कि ये लारे ग्रुप की लेडीज़ है। तीसरी बड़ी चीज़, जब आप सऊदी एयरलाइंस में वहाँ उतरोगे रियाद में, रियाद के बाद आपकी दूसरी फ्लाइट होगी, आपके ग्रुप लीडर रहेंगे उमर भाई अधिकार ऊपर, उमर भाई आपके ग्रुप लीडर रहेंगे। कोई ज़रूरत है कुछ है तो आप उमर भाई से सीधे बात करोगे, उमर भाई उसके अंदर आपसे जो भी हल होगा इंशाल्लाह निकाल देंगे। तीसरी बड़ी चीज़, जब उसके बाद जब दूसरी फ्लाइट लेके आप जिद्दा उतरोगे तो जिद्दा में अपना सामान लीजिएगा,
कुछ सामान के साथ, आपके सामान में खाने का कुछ सामान डाला जा रहा है जो आप खाओगे, वो सामान भी आपको उतार करके थोड़ा गाड़ी में चलाने के लिए मदद करना है, क्योंकि सामान खाने के लिए आपको मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बाहर जा कर के आपको बस मिलेंगी, उमर भाई आपको ले जाएंगे, उमर भाई के पीछे पीछे चलना है, वो बस आपको होटल पे ले जाएगी। होटल ले जाने के बाद हमारा ग्रुप लीडर आपको बोलेगा कि भाई किसी ने पहली बार जो आया है उसने हरम नहीं देखा है तो आप एक साथ चल सकते हो, उमरा के लिए वो ले जाएंगे। अगर आपकी सहूलियत से आप जाना चाहो तो आप आराम से जा सकते हो, लेकिन उस वक्त ग्रुप लीडर साथ में नहीं आएगा, ग्रुप लीडर सिर्फ एक बार आएगा आपके साथ, है ना, क्योंकि उसके बाद ग्रुप लीडर के लिए खाने से लेके हर चीज़ों की तैयारी करनी है। दूसरी अहम बात, आप जब वहाँ जाओगे तो वक्त की पाबंदी है, खाने का वक्त लिखा रहेगा, वो आप देख लीजिएगा, वो टाइमिंग पे आपने खाना खाने है, नाश्ते के लिए पहुँचना है। होटल के अंदर आपके किसी मेहमान को मिलने की इजाज़त है, वहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी का मेहमान रहता हुआ दिखेगा 50 रियाल के हिसाब से हम पूरे पैसे आपके काट लेंगे। मेहमान अगर आप किसी को खाने के लिए बुलाते हो तो पहले ग्रुप लीडर को बोल दीजिएगा कि आपका हमारा मेहमान आ रहा है, इतना मेहमान है, वो आपको चार्जेस बता देंगे वहाँ। तीसरी बड़ी चीज़, रूम नंबर आपको वहाँ दिया जाएगा, जिसका जो रूम नंबर हो वहाँ जा कर के वो सेट हो जाए, अगर 19-20 लगता है तो आपस में बाद में एक दूसरे जो है एक दूसरे से बात करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त लड़ाई नहीं करना। तीसरी बड़ी चीज़ हाजी जो ध्यान देने की है वो ये है कि वहाँ जाने के बाद हाजी शॉपिंग में ज़्यादा ध्यान देता है, शॉपिंग में ध्यान न देते हुए हरम में जितना हो सकता है इबादत करना, आपके लिए नहीं मांगना है तो हमारे लिए मांगना, लेकिन जाके मांगना जरूर, है ना। कई ऐसे लोग हैं जिसको अल्लाह ने बेइंतेहा नवाजा है तो उसके लिए नहीं मांगना, तो हम लोग गरीब लोगों के लिए जाने का बोलने का, या अल्लाह इनको दे ऐसा करके, लेकिन वक्त निकालने का हरम में। उसके बाद दोनों 7-8 दिन के बाद आप जाओगे मस्जिद नबी, उस जगह का बहुत एहतराम है। जब लोग निकले खुसूसन दुरूद पाक पढ़ते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह एहतराम करने वाला बना, इज्जत करने वाला बना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख करके मदीना के अंदर खास करके जितना हो रोज़े पे जाना, सलाम पेश करना, या तो मस्जिद नबी में बैठना। खास करके औरतें माशाल्लाह वहाँ शॉपिंग के लिए मस्जिद नबी के बाहर बहुत जल्दी भागती है, उनका खुसूसन ध्यान रखना। शॉपिंग बॉम्बे हो जाएगी, गुजरात हो जाएगी, मौका अल्लाह दे ना दे मालूम नहीं, इसके लिए खास ध्यान। अब इंशाल्लाह जैसे सफ़र शुरू होगा, उमर भाई आपके अमीर रहेंगे, जैसे बताएंगे आप ऐसा काम करना है, आपके सामानों के साथ अभी खाने का सामान एक एक दो दो करके डालेंगे, आपने अंदर ले जाना है, अपने सामान के साथ जमा कराना है और वहाँ सऊदी में उतारना है आप, ठीक है भाई। किसी को और कोई क्वेरीज? अच्छा, आपको एक हेल्पलाइन नंबर 21 दिया है, 15-26 दिन का, ये देखो ये 15-26 दिन का तावीज़ है, वहाँ की हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई इमरजेंसी आप कहीं घूम जाते हो तो ये नंबर पे किसी को भी बोलने का मिस कॉल करो, हमारे ग्रुप लीडर आपसे फट से बात करेंगे। दूसरा, जब उमरा या मस्जिद नबी में आप जाओ तो जिस होटल से जाते हो वहाँ का कार्ड ले लेने का, कार्ड अपने पास रखने का, शोहर बीवी को ना दे, बीवी शोहर को ना दे, अपना कार्ड अपने पास रखना, अगर कहीं घूम जाते हो किसी को दिखाओगे वो होटल तक पहुँचा देगा। अगर कोई तकलीफ़ आती है, उमर भाई, उसके बाद जैद अभी दोपहर को ग्रुप लेके आएंगे, ये दो ग्रुप लीडर और वहाँ दो लोग मिलेंगे, चार लोग जिम्मेदार आपको रहेंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये हल नहीं निकाल सकते हैं, मेरा नंबर है, उनको बोलने का बात कराओ, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम जैसा होता है तो हमारा मोबाइल चालू रहता है, आप बिल्कुल बोल सकते हो और उनको बोलिए बात करने के लिए, फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप बिस्मिल्लाह बोल के सामान अभी लोग डालेंगे आपको, अब सामान के बाद आपका सफर शुरू करिए। हेलो, हाँ बोलिए।